Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 1st April. So let's get started. Democracy in danger, wants opposition, ye sab kal protest hua tha, uski baatein hain, not important for your exam. यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने दे दिया था कचाथीवी आइलैंड श्रीलंका को और इससे तमिलनाडु का लॉस हुआ है. सी, आप वो चीज दे सकते हो जो आपकी है. ओके, जो टेरिटरी हमारी है अगर वो हमने किसी को दिए तब आप कहोगे कि हमने दे दिए. बट अगर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, सिर्फ उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हमने उस पर से अपना राइट विड्रॉ कर लिया है, तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि आपने गिफ्ट किया है किसी को. लाइक आप याद कीजिए, बांग्लादेश के साथ हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, जिसमें हमने 100 से ज्यादा एनक्लेव बांग्लादेश को दे दिए थे और 31 समथिंग एनक्लेव हमने ले लिए थे, राइट. तो वहां भी अगर आप देखोगे तो वो एक डिमार्केट की गई है. अरे, उसी तरीके से कचा थी वो आइलैंड एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी जिसको हमने सेटल किया अपने राइट उस पर विड्रॉ करके. ऑब्वियसली उससे थोड़ा लॉस हुआ तमिलनाडु फिशरमैन का, बट इस इशू को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं हम लोग. ओके, तो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि कोई टेरिटरी हमने गिफ्ट कर दी, हमने टेरिटरी गिफ्ट नहीं की, हमने सिर्फ उस मैटर को सेटल किया था, राइट. नाउ फर्स्ट थिंग इज, ये जो एरिया है नॉर्दर्न श्रीलंका का, इसे जाफना पेनिनसुला कहते हैं. ये आपकी पाक स्ट्रेट कहलाती है और ये है आपका कचाथीवी आइलैंड एंड दिस इज आर रामेश्वरम. अब देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन डिमार्केट की है दोनों कंट्रीज ने अपने बीच में, उसके अकॉर्डिंग कचाथीवो आइलैंड श्रीलंका के ही वाटर्स में लाई करता है. ओके, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है श्रीलंका का ये पूरा, और यहां पर ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर जा रही है मैरीटाइम बॉर्डर्स दोनों कंट्रीज की, और ये जो है ये हिस्टोरिकल वाटर्स मानते हैं. ये तमिलनाडु क्लेम करता है कि ये हिस्टोरिकल वाटर्स कचाथीवो आइलैंड पर हिस्टोरिकली इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो फिशिंग करते रहे हैं, ठीक है. तो ये हम लोगों ने साइन किया था आपस में, तो इसमें हमने कुछ एग्रीमेंट्स किए थे इनके साथ. फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ये जो इन अनइनहैबिटेड आइलैंड है यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ठीक है, पाक स्ट्रेट में लाई करता है और अराउंड एरिया है 285 एकर्स, ठीक है, 14 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम रामेश्वरम. 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड श्रीलंका के बंदरा नायके ने एक एग्रीमेंट साइन किया टू रिकॉग्नाइज द कचाथीवू एज पार्ट ऑफ श्रीलंका टेरिटरी रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ ओनरशिप. बट यहां पर अलाउ किया गया इंडियन फिशरमैन को टू फिश अराउंड द आइलैंड एंड ड्राई देयर नेट्स ऑन इट एंड ऑल्सो परमिटेड इंडियन पिलग्रिम्स टू विजिट द कैथोलिक श्राइन लोकेटेड ऑन द आइलैंड. ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए. फिशिंग राइट की बात करते हैं तो फिशर फोक फ्रॉम बोथ इंडिया एंड श्रीलंका हिस्टोरिकली यूज कचाथीवू फॉर फिशिंग. दो दिस फीचर वॉज एक्नोलेज इन 1974 एग्रीमेंट, दिस सप्लीमेंटल पैक्ट वॉज साइंड इन 76. अब 76 में इसके अंडर में हमने जो एग्रीमेंट साइन किया उसमें हमने कहा कि हम डिफाइन कर रहे हैं मैरीटाइम बाउंड्रीज, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई है, राइट. ये मैरीटाइम बाउंड्रीज हमने डिफाइन कर ली 1976 में आपस में, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फॉर बोथ कंट्रीज वाइल ऑल्सो इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन फिशिंग वेसल्स एंड फिशरमैन फ्रॉम इदर नेशन. तो हमने 74 में तो ये कहा कि फिशिंग वगैरह अलाउ करेंगे हम, हमने अलाउ की, लेकिन 76 में जब हमने उसके अंडर में ही एक और एग्रीमेंट साइन किया 74 के बाद, तो वहां पर हमने इम्पोज कर दी रेस्ट्रिक्शन ऑन फिशिंग वेसल एंड फिशरमैन फ्रॉम इदर नेशन प्रोहिबिटिंग फिशिंग इन ईच अदर वॉटर विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम इदर ऑफ द टू कंट्रीज. अब हुआ क्या कि यहाँ पर लिट्टी का मैटर चलता रहा श्रीलंका में, तो ये जाफना में जो रहते थे फिशरमैन वो उतना ज्यादा यहाँ पे आते नहीं थे फिशिंग करने उस टाइम, ठीक है, वो अपने प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे. तो इंडियन फिशरमैन हमेशा आगे जाकर फिशिंग करते रहे, राइट. और हम लोग, हमारे फिशरमैन यूज करते हैं ट्रॉलर्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फिश भी कैप्चर करते हैं, एट द सेम टाइम ये वहां की जो इकोसिस्टम है उसको डैमेज भी करते हैं. कई बार टॉर्टाइज वगैरह या काफी सारे प्लैंकटन्स वगैरह फंस के आ जाते हैं फिशिंग नेट में, फिर उनको उठा के फेंक दिया जाता है और मछली पकड़ ली जाती है. तो ऐसे में यहाँ का पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, तो अब श्रीलंका के फिशरमैन के लिए वो एक कंसर्न बन जाता है. हालांकि 2013 में इंडिया ने कहा कि द क्वेश्चन ऑफ रिट्रीवल डिड नॉट अराइज एज नो टेरिटरी वॉज सीडेड. ओके, तो ये इंडिया का स्टैंड है कि रिट्रीव करने की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि हमने कोई टेरिटरी सीड नहीं की, हमने तो एक ऐसी टेरिटरी जो डिमार्केट नहीं थी उसको बस डिमार्केट किया और अपने राइट्स हमने वहां से हटा लिए, क्योंकि ये डिस्प्यूट चला आ रहा था सिंस टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और सैलून के बीच, यानी कि आज के श्रीलंका के बीच में था, जिसको हमने रिजोल्व किया विद एग्रीमेंट ऑफ 74 एंड 76. और एक पॉलिटिकल इशू है, ऑब्वियसली तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो इसकी डिमांड हमेशा करती रहती है कि इंडिया इस आइलैंड को रिट्रीव करे.
अब रिट्रीव करना देखिए पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम लीज पर ले सकते हैं उसको, लीज इन परपिचुटी, दैट मीन्स ए लीज डीड इन विच नो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड फॉर दिस आइलैंड। तो वो हम कर सकते हैं, कुछ पेमेंट करके श्रीलंका को हम लीज पर ले सकते हैं कि हमारे फार्मर्स को ज्यादा जरूरत है इसकी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो है कांग्रेस वाले वो यही कह रहे हैं कि इट वॉज अ फ्रेंडली जेस्चर एंड जस्ट लाइक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो बांग्लादेश के साथ साइन किया हमने, ओके 74 में हमने एक कच्चा थेवू का एग्रीमेंट साइन किया था। ये सब पॉलिटिकल न्यूज है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। काफी सारे, ये शायद पहली बार ऐसा होगा कि 60 आइटम्स को एक साथ जीआई टैग मिल गया। अब ऑब्वियस बात है 60 याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी थ्रू आउट द ईयर कईयों को मिला है, बट जो न्यूज़पेपर में आ गया उसके बारे में तो जानना होगा। ठीक है, तो पहली बात है ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है असम के, ठीक है, अशर कांडी टेराकोटा क्राफ्ट, पनी मेटका क्राफ्ट, सर्थेबारी मेटल क्राफ्ट, जापी एंड मिशिंग हैंडलूम, ठीक है, इसके अलावा बिहू ढोल, ये सब असम के आते हैं। उसी तरह असम से और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बोडो दोखाना, ये ट्रेडिशनल अटायर है जो पहनते हैं वहां पर, बोडो एरी सिल्क। इंपॉर्टेंट थिंग ये पूछने के ज्यादा चांसेस हैं बोडो एरी सिल्क, क्योंकि ये जिस सिल्क वॉर्म से बनता है ना, सिल्क वॉर्म दैट सामिया रिसिनी, ठीक है, ये फीड करता है ऑन द लीव्स ऑफ कैस्टर प्लांट। ठीक है, मैं आपको सिल्क पे एक अपनी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज जो है उसमें हम सिल्क पे कुछ बात करेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। कई वेराइटीज होती हैं, कुछ इवन ये भी माना जाता है कि कुछ ऑर्गेनिक एकदम वेजी वेज वाली वेराइटीज होती हैं, ठीक है, तो उस सब के बारे में हम वहाँ बात करेंगे सिल्क की वेराइटीज के बारे में। और इसके अलावा कसावा को भी मिला है, बोडो ज्वांगरा, बोडो गामसा, बोडो ठोरका एंड बोडो सेपोंग, इतने याद नहीं रहेंगे बट बोडो एरी सिल्क याद रखिएगा। इसके अलावा बनारस की ठंडी को भी मिला है, ड्रिंक मेड बाय ब्लेंडिंग मिल्क विद मिक्स ऑफ नट्स सीड एंड स्पाइसेस, ओके ये भी याद रह जाएगा आपको। त्रिपुरा से हमें मिला है पाचरा, पाचरा रिग्नाई, पाचरा रिग्नाई इज ए फॉर्म ऑफ ड्रेस जो कि स्पेशल ओकेजन पे पहनी जाती है। उसी तरह माताबरी पेड़ा, ये एक तरह का स्वीट है। मेघालय से गारो टेक्सटाइल वीविंग को मिला है, एंड मेघालय से ही लिरनाई पॉटरी को मिला है, एंड चुबीची को मिला है, ओके तो त्रिपुरा, मेघालय, इसके अलावा बनारस की ठंडई को, और बाकी असम से काफी सारे मिले, तो उसमें से आप बोडो एरी सिल्क को याद रख सकते हो, स्पेशली कि ये इस सिल्क वॉर्म से आती है सामिया रिसिनी से, और जो मोस्टली फीड करता है ऑन द लीव्स ऑफ कैस्टर प्लांट, ओके इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले। ओके यहाँ पर रशिया की इन्वेजन की वजह से क्या हो रहा है कि पूरे आर्कटिक में जगह जगह पर ऑब्जर्वेशन और सेंटर बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन रशिया की वजह से जो कि सबसे ज्यादा टेरिटरी शेयर, बॉर्डर शेयर करता है आर्कटिक रीजन के साथ, तो वहां से डेटा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो रिसर्चर्स का काम इससे थोड़ा प्रॉब्लम में आ रहा है। रिसर्च स्टेशन इन द आर्कटिक आर पार्ट ऑफ आर्कटिक मॉनिटरिंग नेटवर्क, फॉरेन साइंटिस्ट हैव नॉट हैड एक्सेस टू डेटा फ्रॉम रशियन फील्ड स्टेशन, द लैक ऑफ डेटा फ्रॉम रशियन क्रिएट द ब्लाइंड स्पॉट। तो ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, लेकिन आर्कटिक से रिलेटेड काफी सारी चीजें जो हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आर्कटिक रीजन में कंट्रीज कौन सी आती है? अब देखिए आर्कटिक सर्कल जो है ये कोई ऐसा डिमार्केट नहीं किया गया कि इसको हम आर्कटिक सर्कल कहेंगे, बस हम ये मानते हैं कि 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर का जो एरिया है उसको हम आर्कटिक सर्कल मानेंगे। ओके कंट्रीज कौन कौन सी आती है ये इंपॉर्टेंट है, रशिया सबसे ज्यादा एरिया यही शेयर करता है, देन यूएस, यूएस की जो मेनलैंड टेरिटरी है वो नहीं पार्ट करती इसका, लेकिन जो अलास्का रीजन है वो इसका पार्ट है, और ये अलास्का रीजन रशिया से ही परचेज किया था यूएसए ने। तो रशिया शायद अगर आज वर्ल्ड में सब कुछ रिग्रेट करता होगा तो सबसे ज्यादा रिग्रेट वो इसी बात का करता है कि मैंने अलास्का क्यों दिया यूएसए को, अदरवाइज अलास्का लगाया कैनेडा से, कैनेडा के नीचे यूएसए, ओके आप मिलिट्री एडवांटेज था बहुत बड़ा रशिया के पास, लेकिन रशिया ने दे दिया, खैर वो नहीं भी देता ना तो यूएसए वॉर के थ्रू ले लेता, लेकिन वो ले लेता, क्योंकि कोई भी अपने इतने स्ट्रांग एनिमी को अपनी इतना करीब नहीं देख सकता। ओके रशिया, यूएस, कनाडा, इसके अलावा डेनमार्क आता है क्योंकि ग्रीनलैंड उसकी टेरिटरी है, एंड मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं ये ग्रीनलैंड परचेज करूंगा डेनमार्क से, ठीक है, यूएसए परचेज करना चाहता है ग्रीनलैंड आइलैंड ड्यू टू इस लोकेशन। इसके अलावा आइसलैंड एक छोटी सी कंट्री है यहाँ पर, इसके अलावा फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, अगर दुनिया में कहीं जन्नत जैसी फील आएगी ना किसी देश में तो वो यही 3 देश हैं। इनके यहाँ जब पूछा गया था कि आपके यहाँ पर, ये डेनमार्क एक कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे जेल बंद कर दी, उन्होंने जेल को रिसोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ क्रिमिनल ही नहीं है तो हम जेल रख के क्या करें। ठीक अगर सही मायने में जन्नत है तो इन 3-4 देशों में, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ओके इनके यहाँ स्कूल एजुकेशन टोटली फ्री है। इनके यहाँ जब सर्वे में पूछा जाता है क्या कभी आपने पुलिस को रिश्वत दी है, तो वो लोग हंसते हैं कि इस पुलिस क्यों रिश्वत मांगेगी हमसे।
Okay, so these are the best countries: फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड. दीज आर दी वंडरफुल कंट्रीज. ओके, और लड़ाई झगड़े से भी काफी दूर है. हालांकि अब तो फिनलैंड स्वीडन ने नाटो की मेंबरशिप ले ली है, तो ऑब्वियसली बात है उनका कंसर्न ये था कि इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है रशिया. अब उनका कंसर्न ये था कि आज यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो कल को हमारे साथ ना हो, इसलिए हम जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं नाटो, ताकि आर्टिकल 5 के अंडर में हमें वो प्रोटेक्शन मिल जाएगी. ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सी है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है जानना. फर्स्ट देखिए, दिस इज बेरिंग सी. मैंने आपके साथ कल ना एक सेशन किया है इंपॉर्टेंट लोकेशन का, लेक्चर नंबर 40. प्लीज उसको जरूर देख लेना. आप प्रीलिम्स सीरीज में एनरोल होना तो भी देख लेना, क्योंकि उसमें काफी चीजें हैं जो हमने वैसे नहीं कवर किए. ओके, बट प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज का ही पार्ट है तो आप तो खैर देखोगे, बट बाकी बच्चे भी इसको देख लें, क्योंकि हमें वो 15 to 17 क्वेश्चन में स्कोर करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है जो इंटरनेशनल रिलेशन और ज्योग्राफी के मैपिंग से आएंगे. ओके, बेरिंग सी है, सी ऑफ ओखोत्स्क, ये भी कल मैंने आपको वहां पे बताया है. इसके अलावा आर्कटिक सर्कल के बीच में जो सी आ रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी है. ब्यूफोर्ट सी, चुपची सी, करा सी, ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. करा सी इंपॉर्टेंट है, बैरेंट सी इंपॉर्टेंट है, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी एंड लिंकॉन सी, ठीक है. ये बैफिन बे है, कैनेडा के पास आता है. दिस इज लैब्राडोर सी, ये हडसन बे है, अगेन कनाडा के पास आती है, ठीक है. तो ये याद रखिएगा, लपटेप सी है एंड ईस्ट साइबेरिया सी है. और अगर सारी याद ना रहे तो एटलीस्ट ये जरूर याद रखिएगा, ब्यूफोर्ट, करासी, बैरेंट सी एंड लैब्राडोर सी. बस इतने, ये चार जरूर याद रखिएगा, अगर सारे याद नहीं रह सकते तो. ओके, आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं. तो मेंबर तो हमने ऊपर देख लिए, ये जो 8 कंट्रीज थी आपकी, ये मेंबर्स हो गई हैं. बट इसके अलावा काफी सारी ऑब्जर्वर कंट्रीज भी होती हैं, क्योंकि देखिए ग्रीन लैंड, आर्कटिक में अगर मेल्टिंग ज्यादा होती है तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, सी लेवल राइज पे. और सी लेवल राइज से सभी कंट्रीज की जो कोस्ट है उस पे असर पड़ेगा, वहां पे कोस्टल कम्युनिटी डिस्प्लेस होगी, उनकी लाइवलीहुड डिस्टर्ब होगी. ओके, तो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आर्कटिक रीजन में अच्छे से हैंडल किया जा सके, क्योंकि हमारे जो आर्कटिक ओशन है दे आर वार्मिंग 4 टाइम्स फास्टर देन द ग्लोबल टेम्परेचर. ओके, 4 टाइम्स फास्टर, ये बातें मैं पहले भी डिस्कस करता आ रहा हूँ आपके साथ, ठीक है. तो इसलिए ना 8 कंट्रीज के अलावा भी हम लोग कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज को रखते हैं. और ऑब्जर्वर में इंपॉर्टेंट चीज है कि जापान भी ऑब्जर्वर है, और चाइना भी ऑब्जर्वर है, इंडिया भी ऑब्जर्वर है एंड साउथ कोरिया भी ऑब्जर्वर है, राइट. बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब बड़ी कंट्रीज जो है, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये तो आएंगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है. तो ये सब ऑब्जर्वर है. बट क्या आप एक चीज देख पा रहे हो कि कहीं से भी इंडिया, चाइना के अलावा कोई भी ग्लोबल साउथ की कंट्री दिख रही है आपको यहाँ पे? ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इवन इवन यहाँ पे आपको ये ऑस्ट्रेलिया सिंह वगैरह भी नहीं दिख रहा है, ठीक है. तो ये बात याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं किसको ऑब्जर्व का स्टेटस है. तो इंडिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना, ओके. और यहाँ से ये जो वर्ल्ड पावर रही है बड़ी बड़ी वो है. अब आर्कटिक रीजन में आखिर वर्ल्ड का इंटरेस्ट क्यों है इतना ज्यादा? सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो है कि यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं. आर्कटिक रीजन हैज रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, जिप्सम, डायमंड्स एंड सब्सटेंशियल रिजर्व ऑफ जिंक, लेड, प्रेशर गोल्ड एंड क्वार्ट्ज. ओके, इवन माना जाता है कि ग्रीनलैंड पजेस अराउंड ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स रेयर अर्थ रिजर्व. ओके, रेयर अर्थ एलिमेंट पे हमने सेशन किया है पूरा, राइट. और रेयर अर्थ एलिमेंट ही फ्यूचर जो हम इंडस्ट्रियल 4.0 रेवोल्यूशन की बात करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट. ओके, और यूएस का एक यूएस जियोलॉजिकल सर्वे बताता है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट आर्कटिक रीजन मे कंस्टिट्यूट लार्जेस्ट अनएक्सप्लोर्ड प्रोस्पेक्टिव एरिया फॉर पेट्रोलियम रिमेनिंग ऑन अर्थ, अमाउंटिंग टू 30% ऑफ वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस एंड 13% ऑफ वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल, राइट. तो ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये रीजन. यहाँ की गवर्नेंस को लेकर बात देखते हैं कि गवर्नेंस कैसे. अब देखिए, हमने अंटार्कटिक पे एक सेशन किया था प्रेम्स रिविजन सीरीज में. अंटार्कटिक में हमने देखा था कि एक पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क है कि किस तरह से गवर्न किया जाएगा अंटार्कटिका को, लेकिन आर्कटिक के लिए ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है. देयर इज ए लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस ऑफ द आर्कटिक रीजन. और क्यों है ऐसा? क्योंकि अंटार्कटिका के आसपास कोई कंट्री नहीं है, कोई बॉर्डर शेयर नहीं करेगी कोई कंट्री. बट आर्कटिक में 8 कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही है, जिसमें दो बड़ी राइवल कंट्रीज हैं, यूएस और रशिया. ओके, तो यहां पर किसी भी कंट्री ने ग्लोबल फ्रेमवर्क को एग्री नहीं किया है, राइट. देर इज नो सिंगल गवर्निंग बॉडी फॉर दी आर्कटिक, हाउ एवर देर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन दैट लूजली कॉपरेट. हम जो आर्कटिक काउंसिल वगैरह बात करें वो सिर्फ कॉपरेशन के लिए बना दिए गए हैं, बट वो कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क नहीं है. वो आर्कटिक काउंसिल
एट आर्कटिक नेशन है इसमें, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड हमने ऊपर देख लिया। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय ओटावा डेक्लेरेशन इन 1996। ओके, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है फॉर एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू आर्कटिक रीजन। बट इम्पॉर्टेंट नीड टू रिमेंबर इज दैट आर्कटिक काउंसिल इज नॉट ए ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसे कोई रूल्स या रेगुलेशन नहीं फ्रेम किए आर्कटिक काउंसिल ने। वो जो आपस में कॉपरेट करते हैं मिलकर कि अवॉइड करते हैं मिलिटराइजेशन, अवॉइड करते हैं लड़ना, अवॉइड करते हैं इस रीजन में, इस रीजन में टेस्ट वेपन टेस्टिंग वगैरह अवॉइड करेंगे, इस तरह का कॉपरेशन चलता है सर। ओके, इट इज जस्ट एन इंटरनेशनल फोरम दैट ऑपरेट ऑन बेसिस ऑफ कंसेंसस। ठीक है, आपस में सलाह मशवरा करके चलते हैं। यहाँ पर इसने अभी रिसेंटली 3 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी साइन किए हैं एंड आर्कटिक काउंसिल डील्स प्राइमरीली विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि मेल्टिंग कम हो, सी लेवल राइज कम हो वर्ल्ड ओवर, उस पर कॉपरेट करते हैं। ठीक है, बाकी के स्ट्रेटेजिक इश्यूज अभी भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैंने आपको प्रेजेंटेशन से इसी टाइम बताए थे 4 ग्लोबल कॉमन, राइट। लेकिन उसे मैंने कहीं भी आपसे ये नहीं कहा था अंटार्कटिका वो एक ग्लोबल कॉमन का पार्ट है। ठीक है, कि पूरी वर्ल्ड उसको गवर्न कर रहा है टुगेदर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल कॉमन है क्योंकि पूरे वर्ल्ड को मिलकर काम करना होगा। बट यहां पर आर्कटिक कोई ग्लोबल कॉमन नहीं है, ये उन्हीं कंट्रीज का मेन कंसर्न है जो इससे शेयर करती है बॉर्डर। आर्कटिक डज नॉट कंसेप्चुअली क्वालिफाई एज ग्लोबल कॉमन बिकॉज मच ऑफ द रीजन्स ओशन फॉल विद इन द रिकग्नाइज नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्कटिक कोस्टल स्टेट। ओके, सो वहां पर सॉवरेनिटी इश्यूज आते हैं, यहाँ पर इस चीज को ग्लोबल कॉमन नहीं मानते हैं। और क्योंकि सब कंट्री अपनी बॉर्डर शेयर करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट ए यूनिफाइड आर्कटिक ट्रीटी सिस्टम अंटार्कटिका की तरह, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया ने भी अपनी एक आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च की थी यहाँ पर, जो जो मोस्टली रिलाई करती है 6+ पर। पहला पिलर क्या है, साइंटिफिक रिसर्च एंड कॉपरेशन करेंगे हम लोग, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करेंगे आर्कटिक रीजन में, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। क्योंकि क्या माना जा रहा है कि जैसे जैसे ये रीजन में आइस मेल्ट होगी, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे यहाँ के, तो शिपिंग के रूट बन जाएंगे यहाँ पर। अभी रशिया पूरा कहाँ से डिपेंड करता है, कल हमने प्रीलिम्स रिवीजन से इसमें देखा था, पूरा ब्लैक सी से डिपेंड करती है उसकी नेवी, उसका पूरा ओशियनिक ट्रेड ब्लैक सी से होते हुए मेडिटेरियन सी में जाता है, फिर वहां से स्विस कैनाल से होते हुए इंडियन ओशन की तरफ आता है, राइट, या फिर अटलांटिक की तरफ जाएगा, अमेरिका की तरफ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से निकल के, राइट। लेकिन यहाँ पे ये एक नया, जैसे ही आर्कटिक ओशन मेल्ट होना शुरू होगा तो एक नया रूट खोल देगा, ऊपर बेरिंग सी है अभी हमने देखा था, ठीक है, वहां से निकल के आप सीधे आ जाओगे ईस्ट चाइना सी में, ठीक है, और वहां से साउथ चाइना सी में, और वहां से इंडियन ओशन में। तो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट खोल देगा रशिया के लिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इवन इंडिया के लिए भी। गवर्नेंस इस रीजन की कैसे करनी है, इंटरनेशनल कॉपरेशन, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन आर्कटिक रीजन। ओके, तो यहां पर ये सब हम लोग कर रहे हैं इन परस्यूइंग द गोल 11 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। साइंटिफिक रिसर्च में हमने क्या क्या किया है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हमने फर्स्ट एक्सपेडिशन लाइन लॉन्च किया था अपना, साइंटिफिक एक्सपेडिशन आर्कटिक में 2007 में। हमने एक रिसर्च स्टेशन बनाया हिमाद्री 2008 में। ओके, उसके बाद स्वैलबर्ड नॉर्वे जहां पर सीट्स रखे जाएंगे वो हमने ज्वाइन किया था। 2014 इंडिया डिप्लॉयड इंड आर्क विच इज ए मल्टी सेंसरी ऑब्जर्वेटरी एट कॉन्ग्स जॉर्डन स्वालबर्ड नॉर्वे, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपको प्रीलिम्स में। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है 2015, आई थिंक 2015 के प्रीलिम्स में ही आया था। ठीक है, बाकी मैं 2018 से पहले वाले क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बट 2014-15 में यही क्वेश्चन आया था एंड आर्क को लेकर। ओके, तो प्रीलिम्स में आया हुआ है, सो ध्यान रखिएगा। स्वालबर्ड नॉर्वे में हमने वो सीट्स वगैरह जो बनाए हुए हैं। इसके बाद हम लोग रिसर्चर्स हमारे मॉनिटर करते हैं आर्कटिक ग्लेशियर्स को ताकि सी लेवल राइज पर नजर रखी जा सके एंड सो ऑन। तो चलिए आर्कटिक को हमने समझ लिया इस आर्टिकल के साथ ही, आगे चलते हैं। एआरटी ऑफ इंडिया एड्स एंड एचआईवी रिस्पॉन्स। अब देखिए अभी कल परसों ना स्मृति ईरानी जी जो हमारी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो कह रही थी कि मोदी जी नहीं होते तो क्या कोविड की वैक्सीन मिलती आप लोगों को। ठीक है, वो जनता से इस तरह के सवाल कर रही थी और जनता करे जा रही थी मोदी मोदी मोदी। थिंग इज क्या 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 इंडिया ने पोलियो को एलिमिनेट नहीं किया क्या पहले, कुछ हम लोगों ने अचीव नहीं किया, सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है। इस तरीके से जो नए वोटर्स होते हैं ना उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, स्पेशली वो बच्चे जो 2014 में शायद स्कूल में जा रहे होंगे उनको किस तरीके से ब्रेन वॉश करना है वो बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया है। नाउ सी कि एचआईवी एड्स के लिए जहां पर इसकी मेडिसिन का ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता था, हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था 2004 में और इसके रिजल्ट हमें आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सब कुछ ही पहले की गवर्नमेंट से कुछ नहीं किया है, सिर्फ जैसा कि मोदी जी बोलते रहते हैं हर जगह और खासकर उनके चेले चपाटे बोलते रहते हैं।
चलिए इसके बारे में जानते हैं। अप्रैल 1, 2004 इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी फॉर पर्सन लिविंग विद एचआईवी। ओके, PLHIV आएगा इस आर्टिकल में, ये नाम बार बार, पर्सन लिविंग विद एचआईवी। ठीक है, 2004 में हमने लॉन्च किया, वो भी फ्री फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। फर्स्ट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग कौन सी यूज की गई? AZT। इट वॉज अप्रूव्ड बाई USFDA इन मार्च 1987। बट एक्सेस टू दीज मेडिसिन रिमेन लिमिटेड एक्सेप्ट इन सम हाई इनकम कंट्रीज। पूरे वर्ल्ड में इन मेडिसिन को एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था ड्यू टू देयर कॉस्ट। फिर ग्लोबल लेवल पर कुछ किया गया, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, ये क्रिएट किया गया ग्लोबल फंड 2002 में, विच एडवोकेटेड यूनिवर्सल एक्सेस टू HIV प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज। बट इसमें सबसे बड़ा बैरियर क्या आ रहा था? हाई कॉस्ट एंड अनअफोर्डेबिलिटी एंड जियोग्राफिकल एक्सेस टू द ट्रीटमेंट। कॉस्ट वॉज एज हाई एज $10,000 पर ईयर। द डिसीजन टू मेक फ्री, फोकस ऑन दिस वर्क, फ्री ART फॉर एनी अडल्ट लिविंग विद HIV वॉज ए पाथ ब्रेकिंग वन फ्रॉम November 2006। इसमें हमने बच्चों को भी इंक्लूड किया ताकि HIV का ट्रीटमेंट हो सके। Now, it is equally important to keep the viral load down and suppress to ensure that a transmission of disease is also halted. हमें सिर्फ इनको ट्रीट ही नहीं करना था HIV पेशेंट को, हमें ये भी इंश्योर करना था कि इसका जो ट्रांसमिशन है HIV का एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उसको भी रोका जा सके। In 2023, the prevalence of HIV in 15 to 49 year age group has come down to just 0.20. India's share in person living with HIV globally had come down to 6.3%. The annual new HIV infections in India have declined by 48%, जबकि global में decline हुआ है सिर्फ 31%, हमारा ज्यादा decline हुआ है। Mortalities HIV से होने वाली death declined by 82%, जबकि global average 47%. Okay? ये सब इंडिया ने अचीव किया है। इससे पहले पोलियो को भी एडमिट किया, मोदी जी के आने से पहले एडमिट कर लिया था, लेकिन आप लोग को ब्रेन वॉश करने के लिए बताया जाता है। और जब सेंट्रल मिनिस्टर इस तरह की बातें बोले ना कि मोदी जी नहीं होते तो क्या ये वैक्सीन मिल पाती, तो ये बहुत चीप लगता है, बहुत चीप पॉलिटिक्स होती है। पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, नाउ देयर वर मेनी कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव, इसके साथ साथ और भी इनिशिएटिव चलाए गए, जैसे प्रोविजन फॉर फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, अटेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अब पता है मदर से बच्चा जब प्रेग्नेंट होती है, जब मदर से बच्चे में HIV ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उस पर भी स्पेशल फोकस किया गया कि ये ट्रांसमिशन रोका जा सके। ठीक है, एंड प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ART की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी रिलैक्स किया गया। अब अगर आप CD4 जीन को नहीं जानते तो फिर आपने वो लेक्चर मिस किया है जिसमें मैंने आपके साथ CAR T सेल थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी डिस्कस की थी। ठीक है, ये जो CD4 जीन है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे अटैक करता है HIV। देखिए, अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। ओके, मैं दोबारा तो नहीं समझाऊंगा अब, क्योंकि उसके लिए पूरी पूरा पहले बेसिक से समझाता हमने। ठीक है, वो वीडियो अगर हो सकेगा कभी तो मैं पब्लिक कर दूंगा एग्जाम से पहले, बट अभी तो नहीं करूंगा। CD4 का हमने क्राइटेरिया चेंज करा। पहले हमने कहा था कि आपका काउंट, CD4 का काउंट आपका लेस देन होना चाहिए 200 सेल। ओके, फिर उसको और रिलैक्स किया, 350 कर दिया, फिर और रिलैक्स किया, 500 कर दिया। और 2017 में हमने अप्रोच लिया कि ट्रीट ऑल अप्रोच फ्रॉम 2017, नाउ ART इज इनिशिएटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट। आपका CD4 काउंट कितना भी हो, आप ART ले सकते हो अगर आप HIV है। और साथ साथ न्यू ड्रग्स भी डेवलप की गई, जैसे dolutegravir, न्यू ड्रग जो और बेटर है, इसकी एफिकेसी और बेटर है एंड मिनिमल एडवर्स इफेक्ट, और इंट्रोड्यूस इन 2020। अभी चल रहा है हमारा फिफ्थ फेज ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का, फिफ्थ फेज चल रहा है, विच एम्स टू रिड्यूस द एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शन बाय 80% एंड रिड्यूस एड्स रिलेटेड मोर्टैलिटी बाय 80% एंड एलिमिनेट वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है मदर टू चाइल्ड या पेरेंट्स टू चाइल्ड। ओके, वो वर्टिकल ट्रांसमिशन है। नाउ दिस फेज 5 ने एक टारगेट सेट किया है, विच इज 95 95 95। अभी इस तरह की चीजें याद रखिएगा, अगर कई बार ये डायरेक्ट आ जाती है कि किस चीज से रिलेटेड, तो ये HIV एड्स रिलेटेड है। ठीक है, 95% ऑल पीपल लिविंग विद HIV नो देयर HIV स्टेटस। कई बार क्या होता है, इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, 15 20 25 साल, तो कई बार आपको HIV होता है, आपको नहीं, मतलब किसी पर्सन को HIV होता है और उसको पता नहीं होता है कि उसे HIV है। ठीक है, तो पहली बात तो है कि 95% तक हमें ये पहुंचाना है कि उनका HIV स्टेटस उनको पता हो, 95% ऑल लिविंग विद HIV उनको डायग्नोसिस करना है ART थेरेपी देके, और 95% ऑफ ऑल पीपल रिसीविंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अचीव वायरल सप्रेशन बाय 2025। ठीक है, तो इस 95 95 95 को याद रखिएगा।
बट इसके अलावा भी काफी चैलेंजेस हैं, जैसे फर्स्ट डिलेड एनरोलमेंट टू द एआरटी फैसिलिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज टू नेशनल प्रोग्राम। ठीक है, आप एनरोल ही बहुत लेट होते हो जब तक कि काफी बढ़ चुका होता है। सेकेंड, जब पेशेंट को लगता है कि अब तो मैं ठीक हो रहा हूं, तो वो डोज मिस करना शुरू कर देता है और मेडिसिन या कंप्लीटली ड्रॉप आउट कर जाता है ट्रीटमेंट से। थर्ड, सस्टेन सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एआरटी नीड्स टू बी एंश्योर्ड बाय नेशनल प्रोग्राम। ठीक है, हमें ये सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ द एआरटी एंश्योर करने की जरूरत है। वी नीड टू फोकस ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इन केयर ऑफ पर्सन लिविंग विद एचआईवी। हमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। वी नीड टू देर इज नीड फॉर कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टाफ, क्योंकि साइंस इवॉल्व होती रहती है। जैसे अब स्टेम सेल थेरेपी से हम लोग ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं एचआईवी, और 3 पेशेंट को ठीक कर भी चुके हैं वर्ल्ड में। ओके, एंड शुड बी फोकस मोर ऑन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। सिक्स, नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंटीग्रेशन विद अदर प्रोग्राम सच एज हेपेटाइटिस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन, या मेंटल हेल्थ एज पर्सन लिविंग विद एचआईवी आर लिविंग नॉर्मल। ओके, एंड वी नीड टू रिड्यूस द प्रिवेंटेबल मोर्टैलिटी, डेथ रेट कम करना है। ओके, तो अच्छा आर्टिकल था और ये सीधे उस चीज को भी काउंटर करता है जो आपके दिमाग में भरा जाता है दिन रात मीडिया के थ्रू, मोदी जी नहीं होते तो देश को क्या हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, देश हमेशा से बहुत अच्छा चला है हमारा। तमिलनाडु अकाउंट फॉर 30% ऑफ द इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। ओके, इसे मैं कहता हूँ बीजेपी सिर्फ बातें करती है, काम नहीं करती। वो दुनिया भर की बातें करेगी, न्यूज चैनल में दिन भर दिखेगा आपको, यूपी ने ये अचीव कर लिया, यूपी ने वो अचीव कर लिया, गुजरात ने ये अचीव कर लिया, बट आप तमिलनाडु के अब देखेंगे तो वो यूपी गुजरात सबसे बहुत आगे। जस्ट सी, 40% ऑफ इंडिया स्मार्टफोन वर सेंट जस्ट फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट, दैट इज कंचीपुरम तमिलनाडु। ओके, और इंडिया का टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का 30% अकेला तमिलनाडु कर रहा है। कौन सा स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है और कौन से स्टेट को एक मॉडल बना के प्रेजेंट किया जा रहा है बाय मीडिया, गुजरात मॉडल एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम तमिलनाडु, जस्ट लुक एट कितना तेजी से आगे जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में 1.9, वहां से जंप किया सीधे 5.4, 5.4 से 7.4। सिमिलरली कर्नाटका का शेयर देख लीजिए, यूपी का शेयर देख लीजिए, गिरा है, सब गिरे। ठीक है, सारे स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑल ऑफ बीजेपी रूल्ड स्टेट, फिर भी गिरते गए। लेकिन लुक एट द तमिलनाडु, यहां से जंप उसने कहां मारा है 2 साल में। सो बातें कम करनी चाहिए, प्रचार कम करना चाहिए एंड काम ज्यादा करना चाहिए। अब आपकी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कॉमोडिटी वाइज शेयर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। सी, सबसे ज्यादा हम इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, $98 बिलियन, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेकेंड नंबर पे। ओके, थर्ड नंबर पे हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी, फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, एंड फिफ्थ नंबर पे ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। ओके, नो नो, सिक्स नंबर पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स आएंगे, फिर आएगा आपका फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद अदर्स। ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए जानना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये इस तरह की नंबरिंग या ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉप 5 याद रखिएगा, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टॉप 3 इजिली याद रहेंगे। फोर्थ पे है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड फिफ्थ पे है केमिकल्स। ओके, सो तमिलनाडु इज रियली डूइंग वेल। यार ये क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, कुछ 5 क्वेश्चन जीआई टैग को रिलेटेड, प्लीज इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ओके, कि पहला प्रोडक्ट कौन सा था जीआई टैग का एंड सो ऑन, ये प्लीज आप फॉलो कीजिएगा इसको। ये आज का अच्छा आया है डेली क्विज, मैं हमेशा बोलता हूँ आप इसको सॉल्व किया कीजिए। ओके, ओके नाउ, अब देखिए इसराइल में खुद सबसे बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट किया है, एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, कि आप एक तो हमारे लोगों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो हॉस्टेजेस को, दूसरा आप उधर बम्बार्टमेंट किए जा रहे हो, तो आप सिर्फ अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक बात तो श्योर है दैट दिस मैन नेतन्याहू हैज टू गो, इनकी इमेज बहुत ज्यादा जा चुकी है, इन्हें बस डर ये है कि करप्शन केस में मैं जेल चला जाऊंगा अगर मेरी कुर्सी गई तो। ये तो बट इनको जाना ही होगा अब देर सवेर। यूक्रेन के कीव पर फिर से अटैक हुआ है रशिया की तरफ से, बट नाउ रिमेंबर कल का जो लेक्चर 40 है ना, उसमें मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम शेयर करें यूक्रेन में जो न्यूज में थी, और दूसरा यूक्रेन के कुछ पोर्ट। ठीक है, मैंने आपके साथ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो हुआ था टर्की की मदद से वो फेल हो गया था, तो उसके बाद ग्रेन इनिशिएटिव का अल्टरनेट डेवलप किया इन लोगों ने डैन्यूब रिवर से। ठीक है, डैन्यूब रिवर से, और उस पर लोकेटेड काफी सारे रिवराइन पोर्ट हमने देखे, क्रोएशिया में है, रोमानिया में है और यूक्रेन में है। ठीक है, वो सब मैंने कल आपको करा दिए वहां से, और वो लेक्चर मिस मत करना, लेक्चर नंबर 40, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी। फिलीपींस चाइना में टेंशन चलती रहती है, और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो कि यूएसए के साथ है फिलीपींस का। ओके, और ये आर्टिकल 5 जो है नाटो का उसको एक्सटेंड करता है फिलीपींस की तरफ। ठीक है, यानी अगर फिलीपींस अटैक होगा तो यूएसए उसको प्रोटेक्ट करने आएगा।
म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, चाइना ने परेशान कर रखा है फिलीपींस को, लेकिन पहले वाले जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे वो प्रो चाइना थे, अभी जो है वो प्रो यूएस है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ओके, तो इन्होंने कहा है वी नीड टू स्ट्रेंथन द कोऑर्डिनेशन ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि चाइना इसको बुली करता रहता है। बीजिंग क्लेम मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी, ठीक है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 2016 में कहा था कि चाइना के जो क्लेम है 9-लाइन, उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, हिस्टोरिकल राइट कुछ जैसी कोई चीज नहीं होती, लीगल बेसिस नहीं है उसका। बट चाइना ने इस जजमेंट को माना नहीं, ठीक है। और इसी कोर्ट ने जब जजमेंट हमारे अगेंस्ट दिया था ना, बांग्लादेश के साथ मैरीटाइम बॉर्डर को लेके, तो हमने मान लिया था। तो देर इज वेरी मच क्लैरिटी कि कौन सी कंट्री इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो करती है, कौन सी नहीं। चाइना यूज वाटर कैनन टू डिस्टर्ब फिलिपिन रिसप्लाई मिशन इन थॉमस शोल। थॉमस शोल ये कहाँ मिलती है हमें, साउथ चाइना सी। पाकिस्तान पीएम बैन रेड कार्पेट एट ऑफिशियल टू सेव फंड्स। अब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा कुछ सीखने की जरूरत है, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, लेकिन एक चीज अच्छी है, हमारे यहाँ तो इतने फूल बरसाए जाते हैं मोदी जी पर, और उसका नतीजा ये है कि 55 लाख करोड़ का लोन लिया था इंडिया ने अपने 70 साल में, ठीक है, और पिछले 10 साल में हमारा लोन हमने 150 लाख करोड़ से ज्यादा लिया है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो बोरो किया है, ओवरऑल तो हम 200 लाख करोड़ से ऊपर जा चुके हैं लोन लेके, ठीक है। इतना लोन ले रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, और इतना तेजी से लिया है, ठीक है, और सब प्रचार में खर्च होता है, बहुत भर भर के खर्च होता है। फिर बीजेपी के आने वाला इलेक्टोरल फंडिंग, उससे होने वाला प्रचार, मतलब आपने कर्नाटका की रैली के टाइम में देखा हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक रोड से निकल, तो पूरे रोड पे ऑलमोस्ट फ्लावर बिक चुके थे, इतने फ्लावर्स गिराए गए थे, ठीक है। मैं उस तरह के फोटो नहीं दिखाना चाहता आपको, लेकिन अगर आप देखना है तो एक बार देख सकते हो। ये चीजें ये कोई शौक से नहीं कर रहे हैं, पैसे दिए जाते हैं, मंगवाए जाते हैं फ्लावर, और फिर पार्टी वालों को दिया जाता है, बस बरसाओ, ठीक है। ये राजा महाराजाओं के टाइम ठीक लगता था, राजा जी बाहर निकलते थे हाथी वाती पे सवार होके, और फिर लोग फूल वूल बिछाते थे, ठीक है। बट आप एक डेमोक्रेसी में, आप एक डेमोक्रेटिक लीडर है, इस तरह की चीजों पे पैसा खर्च करना ठीक नहीं है, वो भी उस देश में जहां लोग 80 करोड़ लोगों को आप खुद कहते हो कि फ्री राशन की जरूरत है इनको, ठीक है। स्कूल्स नहीं है आपके, लेकिन आपने बीजेपी के कार्यालय बना दिए उन गाँव में, उन विलेजेस में, जहां पर आपने प्राइमरी स्कूल नहीं दिए। फिर सरपंच बोलता है कि स्कूल नहीं है, आप बीजेपी कार्यालय बना रहे हो, तो आपको तकलीफ हो जाती है। अब इसमें कुछ एंटी बीजेपी वाली बात नहीं है, बट देश का पैसा किन गलत जगहों पर डाइवर्ट किया जा रहा है उसकी बात है। कल मैंने आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया था कि बीजेपी ने कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जॉब्स कम किए। उन्होंने पॉलिसी लेकर आई कि 1/3 जो रिटायरमेंट होंगी वो वैकेंसी हम लोग नहीं भरेंगे, उन जॉब्स को खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, सैलरी एंड पेंशन का खर्चा ज्यादा आ रहा है सरकार पे। बट ये सब वाहवाही करवाने में पैसा खर्च होता है, मीडिया को खिलाने में पैसा खर्च होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब यूथ को जॉब देने की बात आती है तो सैलरी पेंशन का खर्चा है। सारे एमपी एमएलए मल्टीपल पेंशन लेते हैं, जितने टर्म रहते हैं उतनी पेंशन लेते हैं, एक्टिव हैं अगर आज सैलरी तो ले ही रहे हैं, उसके बाद पेंशन भी लेते हैं, ठीक है। 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना पेंशन लेते हैं। कोई स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक नहीं कहा कि हम ये मल्टीपल पेंशन खत्म करेंगे, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने किया ये। उन्होंने कहा एक ही टेन्योर की पेंशन मिलेगी आपको, और वो भी क्यों मिले जब तक आप एक्टिव हो। अगर आप आज सिटिंग एमपी एमएलए हो तो आपको पेंशन अभी कैसे मिल सकती है, आप सिर्फ सैलरी ले रहे हो आप तो अभी, ठीक है। 5-5, 6-6 लाख रुपये महीना पेंशन लेते टाइम तुम्हें सैलरी पेंशन का खर्चा नहीं दिखता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिखता, लेकिन जब यूथ को जॉब देने की बात आती है तो सैलरी पेंशन का खर्चा बहुत ज्यादा है। इसी के लिए अग्निवीर लेकर आए कि पेंशन का खर्चा बहुत है आर्म फोर्सेज में, ठीक। ये 21 साल में बच्चों को रिटायर कर देना चाहते हैं सर्विस से, कि रिटायर हो जाओ, आप ज्यादा सर्विस करोगे तो फिर वो पेंशन का खर्चा आएगा, लेकिन खुद मरते दम तक पेंशन लेंगे ये लोग। आपको सुनने में बुरा लगे लगे, लेकिन ये अवेयरनेस आपको होना जरूरी है कि जो पैसा यूथ पे खर्च होना चाहिए वो कहाँ खर्च हो रहा है। हिजबुल्ला ये सब ऑर्गेनाइजेशन मैंने बहुत बार डिस्कस करे हैं, ठीक है। शिया मिलिटेंट ग्रुप है, लेबनान में बेस्ड है, अगर ईरान इसको सपोर्ट करता है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर ये बनाई जा रही है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का एक प्रोजेक्ट है एली, एली प्रोजेक्ट, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर। इसकी एप्लीकेशन हमें जानना जरूरी है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। ट्रीटिंग न्यूक्लियर वेस्ट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इट्स रेडियो एक्टिविटी एंड क्लीनिंग अप द डेब्रिस एक्यूमुलेटेड आउट इन स्पेस। अगर हम इतनी स्ट्रॉन्ग लेजर से जो सैटेलाइट्स का मलबा बचा हुआ है बाहर, जंक जो बचा हुआ है आउटर स्पेस में, अगर हम उसको बर्न कर दें तो वो क्लीन हो जाएगा वो एरिया पूरा, राइट। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।